सो हे गाइस, क्या होगा अगर कुछ इस प्रकार की फ़ोटोज़ को कुछ ऐसा बनाना चाहोगे बिना किसी अदर एप्लीकेशन, बिना किसी मिड जर्नी, बिना किसी डिस्कॉर्ड, बिना किसी एप्लीकेशन का इंस्टॉल किए बिना आप लोग ऐसा फ़ोटोज़ बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ इस प्रकार की फ़ोटोज़ को कैसे AI में जेनरेट कर सकते हो। और इसी फ़ोटोज़ को नहीं बल्कि मैं अपने खुद की फ़ोटोज़ को कुछ इस प्रकार की इमेज को कुछ ऐसा जेनरेट किया हूँ और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। बिल्कुल मिडजर्नी पहले था कि उसमें फेस चेंज हो जाता था, बट इसमें बिल्कुल आपका ही फेस रहेगा और AI में जनरेट करके देगा। तो आज मैं बताने वाला, वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस 5 मिनट के वीडियो में काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो को वॉच करते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो सिंपली आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है किसी भी डिवाइस में, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, इस किसी भी में ओपन कर लेना है यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पे सर्च मारना है CAR। जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का फर्स्ट वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बिना किसी देरी के बिल्कुल ऐसा खुल जाएगा। काफ़ी सारे इसमें फ़िल्टर्स देखने को मिलेंगे, देख सकते हो अमेजिंग फ़िल्टर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको कई सारे मोड्स मिलेंगे, जैसे कि मैकेनिकल सर्च मारोगे तो आपको मैकेनिकल में कैसा कैसा दिखाएगा वो आप लोग खुद ही देख सकते हो, कितना अमेजिंग लग रहा है। और इस फ़ोटोज़ को अपने फ़ोटोज़ में भी जेनरेट करके बना सकते हो। सो समझ सकते हो कि कितना अमेजिंग वेबसाइट है और ये बिल्कुल सेफ़ है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा जिसको ओपन नहीं होगा। और इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स देखने को मिल रहे हैं और ऊपर जो जनरेट का ऑप्शन दे रहा है इसमें कोई भी नेम सर्च मारोगे या फिर कुछ भी सर्च मारोगे उसका इमेज जो है AI में जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अपने फ़ोटोज़ को AI में जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 लाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जेनरेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बीच में जेनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंट्रोल नेट वाला कोने में ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर इमेज अपलोड का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर हम अपना इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का इमेज अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्रॉम्प्ट। अगर जितने अच्छे से आप अपने फ़ोटोज़ में प्रॉम्प्ट दोगे उतने अच्छे से आपका जो फ़ोटो है AI में अमेजिंग से अमेजिंग फ़ोटोज़ जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार का AI प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करते करते आपको एक इमेज साइज़ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है। तो इसमें आपको जिस इमेज के साइज़ में फ़ोटोज़ जनरेट करना है उस फ़ोटोज़ का साइज़ ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4.3 ले लेता हूँ और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते आपको जेनरेट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जेनरेट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो इमेज है टास्क में चला जाएगा और यहाँ पे आपको AI में जनरेट करके इमेज दे देगा। तो सो देख सकते हो कितना अमेजिंग बनाया है। अब इसको देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पे इसको एक एक में करने के लिए आपको ऑप्शन दिया है U1, U2, U3, U4, ऐसे करके आप एक एक इमेज ले सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो फर्स्ट का जो ऑप्शन है फ़ोटोज़ वो ऊपर की तरफ यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। सो वेट करते हैं कितने सेकेंड में आप मेरा जो इमेज है देता है। सो बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड आपका लगेगा और यहाँ पे आपको देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग इमेज जनरेट करके दे देता है और देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। देख सकते हो इसमें अपने खुद के फ़ोटोज़ और इसमें मैच करके देखना काफ़ी डिफरेंट एंड डेंजर देखने में लगेगा। और आप लोग इसमें खुद का भी फ़ोटोज़ इमेज जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने नीचे खुद का भी इमेज जनरेट किया है और काफ़ी तगड़ा तगड़ा बनाता है। सो देख सकते हो यहाँ पे मैंने खुद का भी इमेज जनरेट किया है और इसमें काफ़ी अमेजिंग बनाता है, देख सकते हो इसको। और इसमें आप लोग जितना अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट डालोगे उतना अच्छे से बनाएगा, बट इसमें बहुत लोग प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं डाल पाते जिनके कारण उनका जो फेस है जो चेंज हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से प्रॉम्प्ट दो। और इस प्रॉम्प्ट को डालने के लिए कहाँ से हम प्रॉम्प्ट लें, तो यहाँ से बैक आना है, वो सबसे ज़रूरी होता है। तो आपको होम पे क्लिक करना है और नीचे जो आपको फ़िल्टर्स देखने को मिलेगा,
जैसे कि हमको ये वाला अगर फिल्टर सेलेक्ट अच्छा लग जाता है, जैसे कि ये वाला, तो इसमें आपको करना क्या है, नीचे ट्राई नाउ पे ऑप्शन देगा, नीचे जो ये प्रॉम्प्ट्स है इसमें अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स कॉपी कर लेना है और उसमें जेनरेट में पेस्ट कर देना है। वैसा आप लोगों को कुछ इस प्रकार की इमेज जेनरेट करके आपको दे देगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो, काफ़ी अमेजिंग वेबसाइट है और बिना किसी एप्लीकेशन के यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। तो बताना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके। चलिए।